नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज राव, आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट। दोस्तों आज का यह वीडियो एयरटेल पेमेंट बैंक यूजर्स के लिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका भी अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में है या फिर आप पहले कभी जो है आपका अकाउंट खुल गया, पहले क्या होता था जैसे ही नया सिम लेते थे एयरटेल का तो उन लोग क्या करते थे, साथ में जो है एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट भी जो है ओपन कर देते थे, तो उसका जो है जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है या कहे तो जो डिजिटल डेबिट कार्ड होता है उसे किस तरह से प्राप्त किया जाता है, इसी चीज़ के छूट में आपको जो है बताने वाला। तो जैसे कि आप जानते हैं पहले जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का फिजिकल कार्ड आया था लेकिन ज़्यादा दिन वह नहीं चला, वह जो है फिर बंद हो गया किसी कारण से, और वर्चुअल जो है प्रोवाइड करता है उसका उपयोग आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर सकते हैं और कहीं भी उसका उपयोग जो है कर सकते हैं। तो किस तरह से आप जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम अपना एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट हैंडल करते हैं। जैसे प्ले स्टोर में चलते हैं और यहाँ पर जैसे आप जाएंगे और सर्च करेंगे एयरटेल ऐप या कहते हो माय एयरटेल या एयरटेल थैंक्स ऐप, इसका नाम हमेशा जो है चेंज होता रहता है जैसे कि आप जानते ही हैं, तो उसे आपको यहाँ से जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपडेट मंग रहा, तो मैं यहाँ पर जो है इसे अपडेट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसे अपडेट करने के बाद या कहे तो आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, तो आप इसे जो है इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे जो है ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और OTP डालकर जो है इसमें लॉगिन कर लेना है। अगर आपका सिम एयरटेल का नहीं है तो भी यह वर्क करेगा। अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खुल गया है और आपका सिम एयरटेल का नहीं है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एयरटेल थैंक्स ऐप को उपयोग ओपन करेंगे और इंस्टॉल करके ओपन करेंगे और अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद सेंड OTP के ऊपर में क्लिक करेंगे तो इसमें वन टाइम पासवर्ड जाएगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं OTP मेरे पास आ चुका है, यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक ले लिया और उसके बाद यह जो है इसमें लॉगिन हो गया है। ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देखिए मैं आ चुका, इसमें ये कुछ परमिशंस मांगेगा फर्स्ट टाइम, तो ये देखिए यहाँ पर मैं आ चुका। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सामने में ही एक मनी का ऑप्शन दिख जाएगा, ये देख सकते हैं ये, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट है उसमें चले जाएंगे। अगर आपको ये यहाँ शो नहीं हो रहा तो ऊपर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो प्रोफाइल का आइकन है इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर में आपको जो है क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग्स के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं जो है माय वर्चुअल डेबिट कार्ड के ऊपर जो है क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपका MPIN पूछेगा 4 डिजिट का, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आप 4 डिजिट का MPIN एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो है आसानी से आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो है नेट थोड़ा सा स्लो है तो यहाँ पर मैं जो है इंतज़ार यहाँ पर जो है कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड शो हो गया, यहाँ पर मेरा सूरज उसका नाम दे रहा है, कार्ड नंबर दे रहा है 16 अंक का, और उसके बाद यहाँ पर वैलिड डेट CVV वगैरह सब कुछ दे रहा है। साथ ही अगर कार्ड नंबर कॉपी करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। कार्ड को डीएक्टिवेट करना है, उसका लिमिट सेट करना है या फिर कार्ड का पिन सेट करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं सेट कार्ड पिन के ऊपर क्लिक करके कार्ड का पिन भी आप जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट मार के भी आप अपने फ़ोन में रख सकते हैं या कहें तो इसमें डाउनलोड का तो ऑप्शन नहीं दिया है, आप स्क्रीनशॉट करके जो है रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट यहाँ पर जो है फिलहाल तो हो जाता है, अभी बाद में अगर कोई नए अपडेट में अगर बंद कर देता है तो बात अलग है। दोस्तों छोटी जानकारी थी, अब आप जान चुके हैं किस तरह से जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड प्राप्त किया जाता है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।